वाराणसी नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हमारे पुत्र पर जो कि भोजवीर तिराहे पर अजय वास्त्रालय के पास फास्ट फूड की दुकान पर वो नाश्ता कर रहा था, उसी दौरान आयुष जायसवाल, धीरज जायसवाल और अन्य अज्ञात लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले का कारण गांव के कुछ दिन पूर्व हुआ विवाद का बताया जा रहा। और कुछ क्या कहा इस प्रेस वार्ता के दौरान, आइए सुनाते हैं आपको। यादव नेशनल पीपल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, आज ये प्रेस वार्ता रखे हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये प्रेस वार्ता जो हम रखे हैं, विगत दिनों काल से हमारे बाजार में कुछ ठाकुर लोग और कुछ बनिया लोग से हमारे गांव वालों से मारपीट हुई थी, तो उसमें हमारा लड़का स्कूटी पे खड़ा था साइड में, खाली वो खड़ा है, न मारपीट कर रहा ना हाथापाई कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो उसी सिलसिले में भोजीवीर में कल के डेट में अजय वस्त्रालय है रोड पे, वही चाउमीन की कहाँ से फास्ट फूड की दुकान है, तो 9:30 बजे वो कहाँ से वहाँ पर नाश्ता कर रहा था, ठीक है। उसके बाद एक हमारे बाजार का जायसवाल है, आयुष जायसवाल, तो पिता का नाम है उनके नीरज जायसवाल, तो पिट्टू, ये कुछ भोजीवीर साइड से कुछ लड़कों को लेके उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, उसको लात घूसा से मारे, और उसके बाद वो जो पौना होता है जिसे चलाया जाता है, वो पौने से भी काम से वो उसको मारे, हमारे लेबर को भी मारे। उसका कारण क्या था? उसका कारण वही था कि जो झगड़ा हुआ था तो इसमें कुछ एक था नहीं, वही रंजिश थी। तो इस प्रकरण को लेकर के अभी तक आपने क्या किया? इस प्रकरण को लेकर अभी तक मैं कहाँ से अदली बजा पुलिस चौकी पर रात को कहाँ से 11:30 बजे को दिया FIR दर्ज करने के लिए, वो दिया उनको FIR दर्ज हुआ आपका जी, अभी कुछ पता नहीं। क्या बताया गया वहाँ पर? वहाँ बताया गया कि ठीक है, हम इसको जांच कर लेंगे, जांच करके काम से घटना कितने बजे की है? घटना है ये 9:30 बजे कल रात में 12 घंटे बीत गए, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं। इसके आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी है? इसके आगे प्रतिक्रिया ये है कि मैं आज जानलेवा हमला हुआ है, भविष्य में हो सकता है कुछ ऐसे हमला कर दे, गंभीर हमला हो जाए। कौन लोग थे, नाम कुछ पता है? जान से ही मारते, तो इसीलिए हम आप लोग को बुलाए हैं कि प्रशासन शासन ये बात को जाने और आगे क्या मांग आप प्रशासन से? प्रशासन से मैं कहता हूँ जो लड़के उसमें हैं उनको कहाँ से गिरफ्तार करें, उनके ऊपर मुकदमे। मान लीजिए कल आपके ऊपर हमला हो जाता है, कौन लड़के पर अगर हमला होता है तो दोबारा जिम्मेदार कौन? प्रशासन होगा, शासन होगा।